पूर्वांचल आईएएस के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं प्रशांत झा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी 2019 की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने करंट अफेयर्स की साप्ताहिक श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसमें हम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस व पीआईबी से लिए गए चुनिंदा करंट अफेयर्स आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। हालांकि हमारा यह प्रयास यूपीएससी 2019 को ध्यान में रखकर है, लेकिन अन्य सेवाओं के लिए भी यह समान रूप से उपयोगी है। अगर आप राज्य सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए समान रूप से उपयोगी है। करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में हमने सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1, 2 एवं 3 के अंतर्गत आने वाले विभिन्न टॉपिक को अलग अलग प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। साथ ही वीडियो के अंत में प्रश्न भी शामिल किया है। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 1 के अंतर्गत इतिहास, विरासत एवं संस्कृति के अंतर्गत पहला टॉपिक जो है, आइए हम वो शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है अरविंद केस पेपर्स। हाल ही में स्वतंत्रता संघर्ष के विषय में उपलब्ध दुर्लभ दस्तावेजों को कोलकाता संग्रहालय में जीर्ण स्थिति में प्राप्त किया गया है, तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह दस्तावेज था क्या। चूँकि एक ऐसा केस था जिसमें श्री अरविंदो भी नामित किए गए थे, उनको आरोपी बनाया गया था, इसलिए इस केस को अरविंद केस पेपर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुरारी पुकुर षड्यंत्र या मनिक टोला क्रांतिकारी षड्यंत्र भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि एक जो षड्यंत्र हुआ था, ये इसमें अधिकांश आरोपियों को कलकत्ता के उपनगरीय इलाके मनिक टोला के 36 मुरारी पुकुर रोड स्थित बाड़िन घोष के गार्डन हाउस से गिरफ्तार किया गया था। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर षड्यंत्र क्या था। 1908 में अनुशीलन समिति नामक क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाखी नाम के दो युवकों ने मुजफ्फरपुर में डगलक्स किंगफोर्ड नाम के एक मजिस्ट्रेट को मारने की कोशिश की थी। हालांकि डगलक्स किंगफोर्ड इसमें मरा नहीं, वो बच गया, लेकिन इसमें इसकी पत्नी और बेटी मर गई थी। तो इस मामले को लेकर अरविंद घोष, उनके भाई बाड़िन घोष और इसके अलावा अनुशीलन समिति के 37 क्रांतिकारियों पर भारत सरकार के विरुद्ध लड़ाई छेड़ने का मुकदमा चलाया गया था। हालांकि अरविंद घोष इसमें बड़ी हो गए, और जब वो बड़ी हो गए तो सक्रिय राजनीति से दूर होकर आध्यात्मिकता की ओर उनका रुझान बढ़ गया। इस मामले में उनकी पैरवी चितरंजन दास ने की थी। ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार कई जगह पूछा जा चुका है। जो अरविंद घोष जी को 1943 में साहित्य और 1950 में शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया था, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी याद रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। बागपत में एक गाँव है सनौली, वहाँ पर करीब 4000 साल पुराना एक रथ मिला है। अब तक हम ये मानते थे कि जब आर्य भारत में आए तो वो अपने साथ रथ लाए और रथ का प्रयोग उन्होंने शुरू किया, लेकिन ये रथ का पाया जाना कहीं न कहीं एक नए विवादों को जन्म दे रहा है, एक नए अनुसंधान के रास्ते भी खोलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। विश्व का भूगोल टॉपिक के अंतर्गत कुछ है नहीं, समाज के अंतर्गत हम देख लेते हैं। हमारे लिए खुशी की एक बात यह है कि भारत में तंबाकू धूम्रपान करने वाले लोगों की संख्या में तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। वर्ष 2000 में जहां 19.4% लोग तंबाकू धूम्रपान करते थे, वहीं वर्ष 2015 में यह संख्या घटकर 11.5% पर आ गई है। और अगर यही ट्रेंड चला तो 2020 तक यह संख्या घटकर 9.8% और 2025 तक यह संख्या घटकर 8.5% रह जाएगी। अब इससे जुड़ा हुआ एक कीवर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेषीकृत एजेंसी है और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और वर्तमान में इसकी प्राथमिकताओं में HIV एड्स, इबोला, मलेरिया, TB जैसे रोगों का उन्मूलन करना शामिल है। इससे पहले भी यह स्मॉल पॉक्स जैसे बीमारी का उन्मूलन कर चुका है। यह संयुक्त राष्ट्र विकास समूह का भी सदस्य है। एक और चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है कि तंबाकू धूम्रपान से क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो जब हम तंबाकू धूम्रपान करते हैं, अर्थात जब सिगरेट पीते हैं, तो 7000 से अधिक रसायन पैदा होते हैं। उनमें कई सारे
ऐसे रसायन होते हैं जो जानलेवा होते हैं इंसानों के लिए, ना सिर्फ उनके लिए जो स्मोकिंग कर रहे हैं बल्कि उनके लिए भी जो उनसे निकलने वाले धुएं को अपने अंदर ले रहे हैं। यह प्रजनन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है या श्वसन संबंधी समस्याओं को उत्पन्न करता है, और इसमें पाया जाने वाला निकोटीन मूड स्विंग की समस्या को उत्पन्न करता है। मूड स्विंग से मेरा तात्पर्य यह है कि अगर आपने कभी किसी सिगरेट पीने वाले को देखा होगा, तो जब उसको कभी सिगरेट नहीं मिलता तो उसका मन बेचैन हो जाता है। एकदम से ऐसा बेचैन हो जाता है कि बस उसको सिगरेट ना मिले तो वो मर जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन को हम मूड स्विंग कह सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैं बता देता हूँ, भारत में सर्वाधिक तंबाकू का उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केरल में नीपा वायरस का संक्रमण फैला था और कई सारे एडवाइजरी भी इसके लिए जारी की गई थी। पूरे देश में लोगों को कहा गया था कि दक्षिण भारत से आने वाले फल ना खाएं। तो हम ये जान लेते कि सबसे पहले नीपा वायरस है क्या। 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में सुअर पालकों और सुअर के नज़दीक रहने वाले लोगों में इंसेफ्लाइटिस और श्वसन संबंधी समस्याएं पाई गई थी, और जब उनको जांचा गया तो ये एक खास प्रकार की बीमारी थी। चूंकि इस बीमारी की शुरुआत सुंगई निपा नामक के गांव में हुई थी, इसलिए इसको निपा वायरस नाम दे दिया गया। यह हेनिफा वायरस जाति में परामिक्सोविरिड परिवार का सदस्य है। परामिक्सोविरिड जो है वो आरएनए वायरस का एक प्रकार है। निफा वायरस चमगादड़ से फलों में और फलों से इंसान और जानवर में फैलता है। मतलब कि इंसान से इंसान में, जानवर से इंसान में और इंसान से जानवर में फैल सकता है। तो काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। हालांकि चीज़ें थोड़ी कंट्रोल में तो हो गई हैं। जब ये वायरस फैलता है तो सबसे पहले लोग के दिमाग पे असर डालता है, और इसकी चपेट में आने वाले व्यक्ति के दिमाग में सूजन आ जाती है। इसके बाद यह छाती में संक्रमण पैदा करता है, और यदि समय पर उपचार न मिले तो मरीज 24 से 48 घंटों में कोमा में भी पहुंच सकते हैं। आपके सामने ये प्रश्न आ सकता है, क्या भारत में निपा वायरस का संक्रमण पहली बार देखा गया है? नहीं, इससे पहले भी सिलीगुड़ी में देखा गया था। सबसे पहले तो 1999 में मलेशिया और सिंगापुर में ये फैला था, और उसके बाद वहाँ के लोगों ने या वहाँ के सरकार ने बड़े पैमाने पर सुअरों को मारना शुरू कर दिया था। उसके बाद 2001 में यह बीमारी फिर बांग्लादेश में फैली, और उसी साल सिलीगुड़ी में इसके लक्षण पाए गए थे। तो हो सकता है बांग्लादेश पास में है तो वहाँ का कोई आ गया हो, संक्रमित हो गया हो। खैर, ये सब अलग चीज़ें हैं। आपको ये याद रखना है कि भारत में ये पहला केस नहीं था। आगे बढ़ते हैं। चूँकि मलेशिया न्यूज़ में आ गया है तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि मलेशिया आखिर है कहाँ। तो ये देख लीजिए, मलेशिया, ये रहा मलेशिया, और मलेशिया के दक्षिण में ये है इंडोनेशिया। मलेशिया की सीमा थाईलैंड से भी लगती है। यहाँ पे है ब्रुनेई, यहाँ पे है सिंगापुर। तो आपको ये याद रखना है, ये है मलेशिया, ये हरा वाला जो है वो मलेशिया है। और एक और चीज़ यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे मलक्का चैनल है जो काफ़ी महत्व रखता है। चीन जो तेल मंगवाता है वो काफ़ी तेल मलक्का चैनल से होकर ही जाता है, और काफ़ी स्ट्रेटजिक पॉइंट है। और इसी को ध्यान में रखते हुए चीन ने सीपेक पे काम करना शुरू किया। खैर, वो अलग बात है, वो हम बाद में कभी और चर्चा करेंगे जब वो टॉपिक आएगा। आगे हम देख लेते हैं। देश में मातृत्व मृत्यु दर में गिरावट दर्ज की गई है, काफ़ी खुशी की बात है। वर्ष 2011 से 13 के मध्य जहां 1 लाख जीवित बच्चों पर 167 माताओं की मृत्यु हो जाती थी, वहीं 2014 से 16 के दौरान यह संख्या घटकर 130 पे आ गई है। काफ़ी अच्छी बात है। और चूंकि नेशनल एवरेज ये है, लेकिन अगर पूरे भारत की बात की जाए, जैसे कि उत्तरी भारत की बात की जाए, तो यहाँ पे यह संख्या काफ़ी है, लेकिन दक्षिणी भारत में यह संख्या काफ़ी कम है। तो एवरेज मिला के अगर देखा जाए तो यह 1 लाख जीवित बच्चों पर 130 है। भारत सरकार माताओं और बच्चों के लिए
मातृत्व वंदना योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और ग्राम ग्राम में मौजूद आशा कार्यकर्ताओं की मदद से इनके स्वास्थ्य को सुधारने हेतु प्रयासरत है। आगे देख लेते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। चूँकि यहाँ पे महिलाओं का जिक्र आ गया, इसलिए उनसे जुड़े हुए कुछ योजनाएं को हम देख लेते हैं, हो सकता है मेंस में सवाल पूछ लिया जाए। तो ये 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। जब ये शुरू किया गया था तब इसका नाम था इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। बाद में 2014 में इसका नाम बदलकर मातृत्व सहयोग योजना कर दिया गया और पुनः 2017 में इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किया गया। अब सरकार का ये तर्क था कि जो पहले पिछली सरकार द्वारा योजना शुरू की गई थी उसको उतना पब्लिसिटी नहीं दिया गया था, तो लोग इससे लाभान्वित नहीं हो रहे थे। हमने इसका नाम बदला, इसको पब्लिसिटी दिया और लोगों तक ये योजना पहुंची है। इसके अलावा आशा कार्यकर्ता भी गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु कार्यरत है। और आशा के बारे में हम जान लेते हैं। यह 2005 में शुरू हुआ था और यह मिशन 2005 में शुरू हुआ था और वर्तमान में 9 लाख से ज़्यादा आशा कार्यकर्ता पूरे भारत में कार्यरत है। आशा एक स्थानीय महिला होती है जो अपने समुदाय में स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने का कार्य करती है। इनका कार्य महिलाओं को उनके बच्चे को अस्पताल में लाना, उनको अस्पताल में जन्म देने के लिए प्रेरित करना, बच्चों को टीकाकरण क्लिनिक तक ले जाना, परिवार को परिवार नियोजन के लिए प्रेरित करना, फर्स्ट एड जैसी सुविधाएं प्रदान करना, जनसांख्यिकी का रिकॉर्ड रखना आदि है। ये स्वास्थ्य प्रणाली और ग्रामीण जनसंख्या के बीच एक संचार का भी कार्य करती है और सिर्फ एक महिला ही आशा कार्यकर्ता बन सकती है। आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री करेंगे नीति आयोग की शासी परिषद की चौथी बैठक की अध्यक्षता। शासी परिषद, जिसको अंग्रेजी में गवर्निंग काउंसिल भी कहा जाता है, तो नीति आयोग के अध्यक्ष तो आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। तो शासी परिषद में विकास की अवधारणा को आकार दिया जाता है। इसमें केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। इसमें पिछले वर्ष के दौरान किए गए कार्यों की समीक्षा भी की जाती है और भविष्य की प्राथमिकताओं पर विचार भी किया जाता है। नीति आयोग के बारे में हम जान लेते हैं। नीति आयोग का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और ये 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके इसको शुरू किया गया था। और इसका मुख्य लक्ष्य सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने के साथ साथ आर्थिक नीति निर्माण की प्रक्रिया में राज्य सरकारों को शामिल करते हुए सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना है। मतलब सब पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसमें सरकार को योजना बनाती थी और राज्यों पर लाद देती थी, ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। और वर्तमान में जो नीति आयोग है उसमें राज्यों को साथ में बैठा के योजना तैयार की जाती है और तब राज्यों तक ये योजना पहुंचाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन के लिए अधिसूचना जारी की है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले कावेरी नदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यह गोदावरी एवं कृष्णा के बाद दक्षिण भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी और तमिलनाडु की सबसे बड़ी नदी है। यह कर्नाटक में पश्चिमी घाट के ताल कावेरी से निकलती है और तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी सहायक नदियों में हेमावती, सिमसा, अकड़ावती, लक्ष्मण तीर्थ, काविनी, भवानी, नोयल और अमरावती शामिल है और शिव समुद्रम नाम का जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कावेरी जल विवाद है क्या। इस जल विवाद की शुरुआत 1892 में तब हुई थी जब तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर रियासत के बीच पानी के बंटवारे को लेकर समझौता हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी उस समय अंग्रेजों द्वारा शासित था और मैसूर रियासत वहाँ के राजा थे बोडियार। लेकिन जल्द ही समझौता विवादों में घिर गया। इस विवाद के समाधान के लिए 1924 में मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच एक समझौता हुआ था। उसके बाद भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद
1976 में कावेरी जल विवाद के सभी चारों दावेदारों के बीच समझौता हुआ था। चारों दावेदार कौन? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुदुचेरी। हालांकि ये नदी बहती है कर्नाटक और तमिलनाडु से होके, लेकिन इसकी बेसिन में केरल और पौंडिचेरी भी शामिल है। तो आगे बढ़ते हैं। 2 जून को कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया था, जिसने 2007 में 16 साल की सुनवाई के पश्चात कावेरी बेसिन में 740 टीएमसी फीट पानी मानते हुए फैसला दिया था कि प्रतिवर्ष 419 टीएमसी फीट पानी तमिलनाडु को दिया जाए, 270 टीएमसी फीट पानी कर्नाटक को दिया जाए और केरल को 30 टीएमसी फीट पानी दिया जाए और पुदुचेरी को 60 टीएमसी फीट पानी दिया जाए। कर्नाटक और तमिलनाडु दोनों इस फैसले से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी। फरवरी 2018 में आए फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कावेरी के पानी में तमिलनाडु की हिस्सेदारी को 192 टीएमसी फीट से घटाकर 177.25 टीएमसी फीट कर दिया और कर्नाटक को 14.75 टीएमसी फीट पानी ज़्यादा दिया गया। न्यायालय ने केंद्र सरकार से कावेरी जल प्रबंधन बोर्ड भी गठित करने को कहा था। अब एक पॉइंट यहाँ पे महत्वपूर्ण ये है कि अंतर राज्य नदी जल विवाद के निपटारे हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 262 में प्रावधान है। अनुच्छेद 262 के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन और सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। अब आप कहेंगे ऐसा है तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार से इस पर फैसला दिया? तो सुप्रीम कोर्ट प्रथम दृष्टया इस पे ना तो कोई सुई मोटो ले सकता है, ना ही राज्य डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। न्यायाधिकरण के फैसले से अगर कोई पक्ष संतुष्ट नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नागरिकता संशोधन विधेयक 2016 को संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत करने की संभावना नहीं है, वो इसलिए क्योंकि इस पर विवाद बढ़ गया है, इसलिए संयुक्त संसदीय समिति इस पर व्यापक परामर्श करना चाहती। इस विधेयक में वर्ष 2014 से पहले भारत आने वाले 6 प्रताड़ित अल्पसंख्यकों, जिसमें हिंदू, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध शामिल है, को नागरिकता देने का प्रस्ताव है। असम में इस विधेयक का काफ़ी विरोध हो रहा है क्योंकि असम में 1971 की लड़ाई से पहले काफ़ी ज़्यादा शरणार्थी आए हुए थे, जिसमें हिंदू भी शामिल थे, बौद्ध भी शामिल थे। तो उनको लगता है, असम के लोगों को लगता है कि हमारी ज़मीन छीन जाएगी। तो वो अपनी जगह पे सही है और सरकार के अपने तर्क हैं। हम आगे बढ़ते हैं। सामाजिक न्याय टॉपिक के अंतर्गत है सेवा भोज योजना। इसके अंतर्गत उन धार्मिक संस्थानों जो कम से कम 5 वर्ष से अस्तित्व में है और महीने में कम से कम 5,000 लोगों को भोजन प्रदान करते हैं, उनके कच्चे माल पे लगने वाले जीएसटी को सरकार वापस लौटा देगी। राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार अपने हिस्से के जीएसटी को वापस लौटा देगी। जीएसटी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत सरकार की नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे 1 जुलाई 2017 से शुरू किया गया था। जीएसटी में 3 तरह के कर हैं, केंद्रीय जीएसटी, राज्य जीएसटी और अंतर्राज्यीय जीएसटी। आगे बढ़ते हैं। विषय है कृषि कल्याण अभियान। 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य सेट किया था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगुना करना है, और इसी को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय ने 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 तक कृषि कल्याण अभियान चलाने की घोषणा की है, ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीकों में सुधार और आय में वृद्धि करने हेतु सहायता और सलाह दी जा सके। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिले के, महत्वाकांक्षी मतलब इस पैरेशनल डिस्ट्रिक्ट के, उन 25 गांव में की जाएगी जिनकी आबादी 1000 से अधिक है। और जिले के 25 गांव का समन्वयन और कार्यान्वयन जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जाएगा।
तो इसमें भेड़ और बकरियों को भेड़ और बकरियों में होने वाले पेस्ट पेटिट्स रोमिनेंट्स का पूर्ण उन्मूलन शामिल है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जाएगा। प्रत्येक गांव में NADAP पीट तैयार किया जाएगा। बागवानी कृषि और वानिकी को बढ़ावा देने हेतु प्रति परिवार 5 पौधों का वितरण किया जाएगा। दलहन और तिलहन के लिए मिनी किट का वितरण किया जाएगा। कृत्रिम बुआई तकनीक के बारे में बताया जाएगा। सूक्ष्म सिंचाई प्रदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा जन औषधि सुविधा की शुरुआत। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री ने जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की है। और ये नैपकिन देश भर में 3600 जो जन औषधि केंद्र है उस पर मात्र 2.5 रुपये में उपलब्ध होगी। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होगी, अर्थात आम जो सैनिटरी पैड होते हैं उसकी तरह यह पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं। अटल भूजल योजना है। विश्व बैंक के सहयोग से एक योजना शुरू होने जा रही है जो 2018-19 से लेकर 2022-23 तक चलेगी। इसके अंतर्गत देश के बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। और इसमें सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिक क्षेत्र में भूजल प्रबंधन में सुधार किया जाएगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों में भूजल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड की पिछली रिपोर्ट के मुताबिक देश के 6584 भूजल ब्लॉक में से 1034 का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था और इन ब्लॉकों में पानी के पुनर्भरण से ज़्यादा इनका उपयोग किया गया और इसलिए इनको डार्क जोन की भी संज्ञा दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर गए थे और सिंगापुर में उन्होंने संग्रीला डायलॉग पर चर्चा की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य अध्ययन 3 के अंतर्गत, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 के अंतर्गत आर्थिक विकास में वित्तीय वर्ष 2017-18 का समाचार है जिसमें GDP की वृद्धि दर 6.7% रही। भारत की GDP की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2017-18 में 6.7% रही जबकि 2016-17 में यह दर 7.15% थी, अर्थात कमी देखने को मिली। वित्तीय वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही में यह वृद्धि दर सबसे अधिक 7.7% थी जबकि पहली तिमाही में यह मात्र 5.6% थी। अब कहेंगे कि GDP होता क्या है। GDP होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद बोलते हैं। तो किसी अर्थव्यवस्था में एक तय वक्त में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। GDP के तहत कृषि, उद्योग और सेवा 3 प्रमुख घटक आते हैं। इन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ने या घटने के औसत के आधार पर GDP दर तय होती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा GDP का 3.5% रहा। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है? जब सरकार का कुल खर्च उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसके मध्य के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल में अब संरचना के 8 क्षेत्रों की कुल सम्मिलित वृद्धि दर 4.7% रही और जिसमें कोयला की वृद्धि दर सबसे अधिक 16% और कच्चे तेल का उत्पादन सबसे कम, ये तो नेगेटिव में रहा, 0.8% रहा। अब औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सम्मिलित सभी वस्तुओं में 8 कोर उद्योगों का सम्मिलित वेटेज 40.27% है। वर्तमान में सर्वाधिक वेटेज रिफाइनरी उत्पादों का और सबसे कम वेटेज उर्वरक का है। रिफाइनरी उत्पाद का वेटेज 28.04% है और सबसे कम वेटेज उर्वरक का है 2.63%।
ऊपर जो हमने बताया वो था एक खास समय में इनमें देखी गई वृद्धि, जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में सम्मिलित 8 करोड़ वस्तुओं का सम्मिलित वेटेज यहाँ पे है। तो इससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 2015 में क्वेश्चन आया था कि IIP में सर्वाधिक वेटेज किसका है, तो उस समय कुछ और था, लेकिन अभी फिलहाल सर्वाधिक वेटेज रिफाइनरी उत्पाद का है। चलिए आगे देखते हैं। मई 2018 के दौरान भारत का विदेश व्यापार, भारत का निर्यात 25.86 अरब डॉलर का रहा, जबकि पिछली अवधि में यह 24.01 अरब डॉलर का था, अर्थात 20.18% की वृद्धि दर्ज की गई है। आयात की अगर हम बात करें तो आयात 43.48 अरब डॉलर की रही और पिछले वर्ष की अवधि में यह 27.86 अरब डॉलर की थी, अर्थात निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय वाणिज्य विभाग जल्द ही निर्यात संवर्धन गतिविधियों में तेजी लाने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों में 10 कार्यालय खोलेगा, और इनके कार्यालय खोलने का ये मकसद है कि वस्तुओं की ब्रांडिंग की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी पहुंच निर्धारित हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जान सके। अगला न्यूज है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। हमने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है। ये लंबी दूरी का मिसाइल है जो 5000 किलोमीटर से ज़्यादा तक का रेंज है इसका, अर्थात यह दूसरे महाद्वीप में भी मार कर सकता है, मतलब अफ्रीका, यूरोप और पूरी एशिया इसके जद में, सिर्फ अमेरिका इसकी जद में नहीं है। इसे ज़मीन या हवा कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, और भारत से पहले अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन के पास ही अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल था। भारत ऐसी शक्ति हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है। इसको एक विशेष प्रकार की तकनीक कैनिस्टर तकनीक के इस्तेमाल से भी लॉन्च किया जा सकता है। कैनिस्टर तकनीक एक विशेष प्रकार का धातु का सिलेंडर होता है जो प्रक्षेपण के समय होने वाले विस्फोट को अवशोषित कर लेता है, मतलब एक ट्रक वगैरह के ऊपर भी इसको स्थापित करके वहाँ से इसको लॉन्च किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नासा हेलियोस्फीयर में कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए 2024 में नए मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नासा के अनुसार इंटरस्टेलर मैपिंग और एक्सलरेशन प्रोब मिशन शोधकर्ताओं को हेलियोस्फीयर की सीमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा, और हेलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहां हमारे सूर्य से कणों का निरंतर प्रवाह शेष आकाश गंगा की सामग्री से टकराता है। यह टकराव हेलियोस्फीयर में प्रवेश करने वाली हानिकारक कॉस्मिक विकिरण की मात्रा को भी सीमित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला समाचार है स्टिक इंसेक्ट्स। कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं अगर उनकी माताओं को खा भी लिया जाए तो वो पक्षियों के मल के माध्यम से निकल जाते हैं और कहीं दूसरी जगह फैल जाते हैं और फिर से वो बीमारी का प्रसार करने लगते हैं, मतलब इतने सख्त होते हैं कि जल्दी मरते नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मालाबार अभ्यास 7 जून से 16 जून 2018 तक मालाबार युद्धाभ्यास का 22वां संस्करण का आयोजन गुयाम में किया जा रहा है। इसमें भारत, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं हिस्सा लेगी। पिछली बार इस अभ्यास का आयोजन चेन्नई एवं विशाखापत्तनम में किया गया था। मालाबार युद्धाभ्यास की शुरुआत 1992 में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य द्विपक्षीय युद्धाभ्यास के रूप में हुई थी। 2015 में जापान इसका अस्थायी भागीदार बन गया। पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर भी इसमें अस्थायी भागीदार रह चुके हैं, मतलब उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन किया था और बाद में इससे बाहर हो गए। चाइना की
प्रभुत्व जो एक साउथ चाइना सी में बढ़ रही है उसको देखते हुए इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। जियो इंटेलिजेंस एशिया 2018, इसके 11वें संस्करण का आयोजन 4 से 5 जून 2018 को नई दिल्ली के मोनेक्सा केंद्र में किया गया था। मोनेक्सा कौन था बताइए जरा। 2018 का विषय था ए फोर्स मल्टीप्लायर फॉर डिफेंस एंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। जियो इंटेलिजेंस एशिया 2018 नवीनतम प्रौद्योगिकी समाधानों का आकलन करने के साथ साथ सुरक्षा के लिए भू स्थानिक प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका पर चर्चा और विचार विमर्श करने के लिए सेना सुरक्षा अधिकारियों और सरकार तथा उद्योग जगत को एक साथ लाएगा। आम्बेर में मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने, वहाँ पे किला है जो कछवाहा राजपूतों द्वारा बनाया गया था, उस किले में हाथियों के द्वारा पर्यटकों को सवारी कराई जाती है। अब गौरी मुलेखी नाम की एक महिला ने एक याचिका दायर की थी कि हाथियों का शोषण हो रहा है। अब उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा है कि हाथियों का उपयोग बंद हो और हाथियों के जगह पर पर्यटकों के लिए बेहतर सवारी का इंतजाम किया जाए। अब हाथियों के बारे में ज़रा जान लेते हैं। भारत में एशियाई मूल के हाथी पाए जाते हैं और 1986 से ही ये IUCN की लाल सूची में संकटग्रस्त की सूची में शामिल हैं, मतलब ये संकटग्रस्त प्रजाति हैं। और जंगल बड़े पैमाने पर कट रहे हैं, शिकार भी हाथी दांत के लिए हो रहा है। इन सबको देखते हुए हाथियों की संख्या में बड़ी तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1992 में हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की थी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके सामने ये आ सकता है, क्या IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट है? तो आप कहेंगे कि नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पार्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कई पहलों की शुरुआत। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान ने अवशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कई पहलों की शुरुआत की है। इन पहलों के कार्यक्रमों का अनावरण ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान के महानिदेशक और पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव द्वारा विज्ञान भवन नई दिल्ली में की गई। अब हम जान लेते हैं कि ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान क्या है। इसको शॉर्ट में टेरी भी बोलते हैं। ये 1974 में दिल्ली में स्थापित किया गया था। 2003 से पहले इसका नाम टाटा ऊर्जा एवं अनुसंधान संस्थान था। एक समाचार है कि निम्न तीव्रता की वर्षा के कारण उत्तर भारत के भूजल रिचार्ज में कमी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर के जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने 1996 से 2016 के बीच देश भर के 5800 भूजल कुओं से एकत्रित आंकड़ों के आधार पर यह पाया है कि वर्षा की तीव्रता का सीधा संबंध भूजल पुनर्भरण से है। उत्तरी भारत के जलाशयों का आकार उनकी संग्रहण क्षमता दक्षिण भारत की अपेक्षा अधिक है और दक्षिण भारत में जो भूजल रिचार्ज है उसके लिए उच्च तीव्रता की वर्षा ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि उत्तरी भारत में निम्न तीव्रता की वर्षा की ज़्यादा आवश्यकता है। हम एक नज़र पृथ्वी पर जल के वितरण पर डाल लेते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले कुल जल का 96.5% महासागरों में पाया जाता है। इसके अलावा 0.9% अन्य जगह पे धरती पे ही पाए जाते हैं, लेकिन वो नमकीन है और यूज के लायक नहीं है। इसके अलावा बचने वाले जो जल है वो है 2.5%। ये उपयोग के लायक हैं अर्थात मीठे जल हैं, लेकिन इनमें से भी इन 2.5% में से भी इनका 68.7% ग्लेशियर्स के रूप में पहाड़ों पे जमा है। बचा 30.1% जो भूजल के रूप में जमा है।
उसके अलावा जो 1.2% बचा वो सतह पे स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, और उस 1.2% में से 69% जमीन पर जो बर्फ जमी हुई है उसके रूप में उपलब्ध है, और उसमें से 20.9% झीलों में जमा है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। पर्यावरण अनुकूल, साफ सुथरे और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पर भारत के 13 बीच को जल्द ही ब्लू फ्लैग बीच का दर्जा मिलेगा। इसमें उड़ीसा के कोणार्क तट पर चंद्रभागा बीच, महाराष्ट्र में अरावली चिउला भोगवे बीच और पुदुचेरी गोवा दमनद्वीप लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के एक एक द्वीप शामिल है, एक एक बीच शामिल है सॉरी। अब इनका प्रमाणन कौन करता है? तो ब्लू फ्लैग बीच के मानकों का निर्धारण डेनमार्क के कोपेनहेगन स्थित फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा 1985 में किया गया था। एक गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। सबसे अधिक ब्लू फ्लैग बीच स्पेन में है, और जो ब्लू फ्लैग बीच घोषित कर दिया जाता है उसको अपना झंडा लगाने की अनुमति होती है। आगे देखते हैं गंगा प्रहरी। गंगा नदी की जैव विविधता के संरक्षण के लिए नए स्वयंसेवक कार्यबल गंगा प्रहरी का गठन किया गया है। 427 प्रशिक्षित स्वयंसेवक गंगा नदी की जैव विविधता की रक्षा हेतु इसके महत्व के बारे में गंगा के आसपास बसे राज्यों में लोगों को गंगा नदी के महत्व के बारे में प्रशिक्षित करेंगे और उनमें जागरूकता फैलाएंगे। गंगा नदी के बारे में हम जान लेते हैं, तो गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी जब देवप्रयाग में मिलती है तो गंगा का निर्माण करती है, जहाँ से यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। जमुना, रामगंगा, गोमती, गंडकी, कोसी, महानंदा, सोन, पुनपुन आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। और देश के पहले नाइट्रोजन प्रदूषण के मात्रात्मक मूल्यांकन के अनुसार नाइट्रोजन कण PM2.5 का बड़ा हिस्सा बनाते हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि PM2.5 होता क्या है। यह काफ़ी महीन कण होता है जो हवा में तैरते रहता है और सांस के द्वारा फेफड़ों के भीतर जाकर हृदय और श्वसन संबंधी बीमारियां उत्पन्न करता है। यद्यपि भारत में कृषि नाइट्रोजन उत्सर्जन का सबसे बड़ा योगदान करता है, तथापि बिजली परिवहन और जीवाश्म ईंधन भी कम नहीं है, इनसे भी काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन हो रही है। उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन कृषि में मुख्य आगत है, लेकिन खाद्य श्रृंखला की अक्षमता के कारण लगभग 80% नाइट्रोजन बर्बाद हो जाता है, जो वायु एवं जल को प्रदूषित करने के साथ साथ हरित गृह गैस उत्सर्जन में भी योगदान देता है। एक प्रश्न है, अगला टॉपिक है ऑपरेशन निस्तार। शिपिंग एवं इंडियन सेलिंग वेसल्स एसोसिएशन से प्राप्त सूचना के जवाब में भारतीय नौसेना के जहाज सुनैना को मिशन आधारित तैनाती के लिए वर्तमान में अदन की खाड़ी में तैनात किया गया था। इसे चक्रवात मैकेनू के पश्चात यमन के सोकोत्रा द्वीप में फंसे भारतीयों को निकालने का निर्देश दिया गया था। अब प्रश्न ये आता है कि यमन कहाँ है, और ये देखिए, ये रहा यमन और ये रहा सोकोत्रा द्वीप। यह अदन की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, और इस द्वीप को लेके सोमालिया और यमन के मध्य भी विवाद है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि सोकोत्रा द्वीप कहाँ है, या सोकोत्रा द्वीप को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है। चूंकि यमन अभी सऊदी अरब और ईरान का अरन क्षेत्र भी बना हुआ है, तो काफ़ी चर्चा में, तो इससे जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और समाचार है जो हम देख लेते हैं। सॉलिड फ्यूल एक्टेड रैमजेट आधारित डक्टेड रैमजेट आधारित मिसाइल का प्रौद्योगिकी प्रदर्शक उड़ान परीक्षण 30 मई को चांदीपुर में सफलतापूर्वक किया गया। यह रूस के सहयोग से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित की गई है, जो सतह से हवा में मार कर सकती है।
दूसरा है कि सरकार ने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का पुनर्गठन किया है। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक वैधानिक निकाय है जिसमें प्रिंट मीडिया की आचरण की निगरानी के लिए शासनादेश होता है। अगला है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस परियोजनाओं के तहत एनटीपीसी ने हैदराबाद में स्थित चार मीनार को गोद लिया है। कुछ समय पहले लाल किला को भी गोद लिया गया था तो काफ़ी विवाद हुआ था। क्यूबा एवं अमेरिका के मध्य 50 वर्षों के बाद सीधी डाक सेवा को अस्थायी रूप से बहाल करने पर सहमति बनी है। अगला समाचार है पेट्रो सांचेज को राजा फिलिप सिक्स ने स्पेन के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। अगला समाचार है एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन, अमेरिका, जापान और जर्मनी के अलावा भारत दुनिया के शीर्ष 5 ई अवशिष्ट पैदा करने वाले देशों में एक है। यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है कि ई अवशिष्ट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं या कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई की 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को 25 आधार बढ़ाकर 6.25% कर दिया है। रेपो रेट है क्या? रेपो रेट वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को सिक्योरिटीज के बदले ऋण देता है। और अगला है वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 4 स्थान की प्रगति के साथ 137वें स्थान पर पहुँच गया है। आइसलैंड इसमें शीर्ष पर बना हुआ है। आगे है करंट अफेयर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न जिसे हम देखेंगे। निपा वायरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निपा वायरस के कारण होता है। जो है निपा वायरस कुल में आरएनए वायरस का एक प्रकार है। दूसरा ऑप्शन है यह मनुष्य से मनुष्य में एवं जानवरों से मनुष्य में फैल सकता है। और तीसरा ऑप्शन है इस रोग की पहचान सर्वप्रथम मलेशिया में वर्ष 1988 में की गई थी और इसका नाम मलेशिया के सुंगई निपाह गाँव के नाम पर रखा गया था। इसमें ये ऑप्शन गलत है क्योंकि इसकी जब ये शुरू हुआ था, जब ये आउटब्रेक हुआ था तो वो साल था 1999, न कि 1988, तो ये गलत है। चौथा एक ऑप्शन है कि भारत में रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय केंद्र केरल एवं विभिन्न राज्यों में एकीकृत रोग नियंत्रण निगरानी कार्यक्रम नेटवर्क के माध्यम से हालिया प्रकोप की स्थिति की निगरानी कर रहा है, ये सही है। तो ये सिर्फ गलत है, बाकी सारे के सारे ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन होगा 1, 2, 4, इसमें नहीं है, टाइपिस्ट की मिस्टेक है, तो आप इसको 1, 2, 4 ही पढ़िएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित। तो यह है पहला ऑप्शन है हाल ही में केंद्र सरकार ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की। यह प्राधिकरण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के बीच जल के साझाकरण का निर्णय लेगा। दूसरा ऑप्शन है प्राधिकरण का कार्य भंडारण, विभाजन, शेयरों, जलाशय के संचालन की निगरानी और विनियमन समिति की स्थापना से जल विज्ञप्ति को विनियमित करने के लिए होगा। और तीसरा ऑप्शन है कार्यों के निष्पादन में प्राधिकरण की सहायता नियामक समिति द्वारा की जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार ने कृषि लोन माफ कर दिया है, तो उससे जुड़ा हुआ है, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार की सेवा भोज योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र सरकार ने लंगर्स जैसे धार्मिक संगठनों द्वारा संचालित सामुदायिक रसोई में भोजन तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली कच्ची सामग्री पर अपने जीएसटी शेयर की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक योजना की घोषणा की है, सही है। दूसरा है संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इस योजना का नाम सेवा भोज रखा गया है। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए 325 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तीसरा ऑप्शन यह योजना उन धर्मार्थ या धार्मिक संस्थानों जैसे मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा पर लागू होगी जो कम से कम 5 वर्षों से अस्तित्व में है या कम से कम 5,000 लोगों को भोजन प्रदान करते हैं। ये भी सही है। तो तीनों ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कृषि कल्याण अभियान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कृषि एवं
किसान कल्याण मंत्रालय ने 1 जून 2018 से 31 जुलाई 2018 तक कृषि कल्याण अभियान चलाने की घोषणा की है ताकि किसानों को उनकी कृषि तकनीक में सुधार और आय में वृद्धि करने हेतु सहायता और सलाह दी जा सके। नीति आयोग के दिशा निर्देशों के आधार पर कृषि कल्याण अभियान की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय के परामर्श से प्रत्येक महत्वाकांक्षी जिले के उन 25 गांवों में की जाएगी जिनकी आबादी 1000 से अधिक है। जिन जिलों में गांवों की संख्या 25 से कम होगी वहां सभी को कवर किया जाएगा। एक जिले के 45 गांवों को समग्र समन्वय कार्यान्वयन उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा किया जा रहा है। सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला छठा जो प्रश्न है वो है जन औषधि सुविधा के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखते हैं, केंद्रीय रसायन और उर्वरक सड़क परिवहन और राजमार्ग नौवहन राज्य मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि सुविधा ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन लॉन्च की है। सही है। दूसरा ऑप्शन है रसायन एवं उर्वरक केंद्रीय मंत्री और संसदीय मामलों के मंत्री श्री अनंत कुमार के अनुसार अब वहनीय सैनिटरी नैपकिन भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत 3600 जन औषधि केंद्रों पर प्रति पैड 2.5 रुपये के हिसाब से उपलब्ध होगी। ये भी सही है। जन औषधि सुविधा के अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन प्रयोग कर लिए जाने के पश्चात जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो बायोडिग्रेडेबल बन जाता है। इससे भारत की आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं के लिए स्वच्छता स्वास्थ्य और सुविधा को सुनिश्चित किया जा सकता है। बिल्कुल सही है। सातवां प्रश्न है अटल भूजल योजना के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देश के एक बड़े हिस्से में भूजल संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए मंत्रालय द्वारा अटल भूजल योजना का प्रारूप तैयार किया गया है। इस योजना के तहत चिन्हित किए गए प्राथमिक क्षेत्रों गुजरात हरियाणा कर्नाटक मध्य प्रदेश महाराष्ट्र राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के भूजल में गिरावट देखी गई है। बिल्कुल सही बात है। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से देश के प्राथमिक क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। बिल्कुल सही है। इस योजना का कार्यान्वयन विश्व बैंक की सहायता से 2018-19 से 2022-23 तक 5 साल की अवधि के लिए किया जाएगा। बिल्कुल सही है। सारे के सारे ऑप्शन सही है। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। सांगरीला डायलॉग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक स्वतंत्र थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित ट्रैक वन इंटर सरकारी सुरक्षा मंच है जिसमें रक्षा मंत्रियों मंत्रालयों के स्थायी प्रमुख और 28 एशिया प्रशांत राज्यों के सैन्य प्रमुख शामिल हैं। मंच का नाम सिंगापुर में सांगरीला होटल के नाम पर रखा गया है जहां यह वर्ष 2002 से आयोजित किया जा रहा है। इसके कुछ प्रमुख प्रतिभागी देश हैं ऑस्ट्रेलिया ब्रुनोई बर्मा कंबोडिया कनाडा चिली फ्रांस जर्मनी भारत आदि। इसके तीनों के तीनों कथन सही हैं। आगे बढ़ते हैं नौवां क्वेश्चन। वित्तीय वर्ष 2018 में देश की GDP वृद्धि दर के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के GDP की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2018 में 6.7% रही। यह वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.15 थी। वर्ष 2018 में आकलित वृद्धि दर 2014 से अपने न्यूनतम स्तर पर है। बिल्कुल सही बात है। चौथी तिमाही में वृद्धि दर सबसे अधिक 7.7% थी जबकि पहली तिमाही में वृद्धि दर 5.6%, दूसरी तिमाही में 6.3% और तीसरी तिमाही में 7% थी। विनिर्माण और निर्माण के साथ ही पूंजी निर्माण के क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। तो इसमें भी सारे के सारे ऑप्शन सही है। अग्नि 5 के विषय में देख लेते हैं। एक महत्वपूर्ण समाचार ये है कि यह भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है। जी बिल्कुल, यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है और अंतर महाद्वीपीय भी है। अग्नि 5 की रेंज 5,500 से 5,800 किलोमीटर है। बिल्कुल सही बात है। इसका वजन 50,000 किलो है जो इसमें 1500 किलो वारहेड ले जाने तक की क्षमता पैदा करता है। तो देख लेते हैं
इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, इसके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। अगला 11वां प्रश्न है, नासा के आईएमपी मिशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है, नासा हेलियोस्फीयर में कॉस्मिक किरणों की उत्पत्ति के बारे में, ये पीढ़ी लिख दिया है, इसको आप उत्पत्ति पढ़िएगा, टाइपिस्ट का मिस्टेक है, के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए वर्ष 2024 में एक नए मिशन को लॉन्च करने की योजना बना रहा है। दूसरा ऑप्शन है, नासा के अनुसार इंटरस्टेलर मैपिंग और एक्सेलरेशन प्रोब मिशन शोधकर्ताओं को हेलियोस्फीयर की सीमा को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। तीसरा ऑप्शन है, हेलियोस्फीयर वह क्षेत्र है जहाँ से हमारे सूर्य से कणों का निरंतर प्रवाह शेष आकाशगंगा की सामग्री से टकराता है। यह टकराव हेलियोस्फीयर में प्रवेश करने वाली हानिकारक कॉस्मिक विकिरण की मात्रा को सीमित करता है। आईएमपी उन कणों को इकट्ठा कर उनका विश्लेषण करेगा जो हेलियोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो ये भी सही है, ये सारे के सारे ऑप्शन, सारे क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन सही हैं। ब्लू फ्लैग बीच के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन द्वारा दिया जाने वाला एक प्रमाणन है। बिल्कुल सही बात है, ब्लू फ्लैग FEE के स्वामित्व वाला एक ट्रेडमार्क है जो गैर लाभकारी गैर सरकारी संगठन है। बिल्कुल सही बात है, ब्लू फ्लैग समुद्र प्रमाणन तटों मरीना टिकाऊ नौकायन पर्यटन ऑपरेटरों के लिए उच्च गुणवत्ता और गुणवत्ता मानक तय करता है। तो ये भी सही है सारे के सारे। हमारे सामने कुछ प्रश्न और हैं, जैसे ऑपरेशन निस्तार से संबंधित हैं, गंगा प्रहरी से संबंधित हैं और जियो इंटेलिजेंस एशिया से संबंधित है। तो दोस्तों प्रश्नों में कुछ गलतियां हैं, कुछ सामान्य सी गलतियां हैं जो अगली बार हम सुधार कर आपके सामने रखेंगे। मैं वादा करता हूं कि अगली बार ये गलतियां नहीं होगी। मुख्य परीक्षा है तो भी कुछ प्रश्न है, जैसे भारत में तंबाकू धूम्रपान में आई तेज गिरावटों पर चर्चा करो। इस तरह कुल नौ प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का आप दिए गए जो हमारे ये नोट्स हैं उनको मैं अपलोड कर दूंगा और इनके आधार पर आप इन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कर सकते हो, लिख सकते हैं, और आप चाहे तो यूट्यूब कमेंट में भी इसका आंसर लिख सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारी ऑफलाइन कक्षा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप गोरखपुर में ज्वाइन कर सकते हैं और दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और अगर कुछ कमी है तो हमें बताइए, हम उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।